टैलेंट के सहारे लोग पहले फेमस होते थे, आजकल लटपटी हरकतें करके चटपटे रिश्ते फेमस होते हैं। कहीं दो नन्ने मुन्ने निब्बा निब्बी शादी करके अपने बच्चे की हग्गू पोटी साफ करके फेमस हो रहे हैं। कहीं एक आदमी जो एक शादी के लायक नहीं है वो दो दो शादी करके फेमस हो रहा है। और अब ये नए आए हैं रचना और उसका चना। और आपका फेवरेट दोस्त अरे हाँ भाई समझ गए, दोस्त है और दोस्त है तो दूर से भी बता सकता है ये मेरा दोस्त है, उसको गोदी में लेके कैमरा एंगल से बाहर नहीं निकालना होता। मेरे प्यारे पपीता मोहन, आप एक माँ हैं, मैं आपको बाप लग रही हूँ क्या? नहीं, आप मुझे निब्बी लग रही हो और वो पीछे बैठा पपीता मोहन मुझे नशे में लग रहा है। और दोस्तों अभी तक तो आप लोगों को ये दोनों बड़े क्यूट कपल लग रहे होंगे, उल्लू, पर ना नक्को बिल्कुल नहीं, ये माँ बेटा है। सोचो इन लोगों की हरकतें इतनी गड़बड़ है कि ये संतूर की टिकिया को, मतलब ये निब्बियों की माता को लिख के बताना पड़ता है मॉम एंड सन, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये माँ बेटा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। भगवान ना करे कभी इंस्टाग्राम वीडियो पे टेक्स्ट डालने का ऑप्शन हटा दे, इनको तो माथे पे टैटू बनवाना पड़ेगा ताकि दुनिया को समझ आए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। ए थम्बा, जैसी तेरी उम्र है जरूरत तुझे किताबें उठाने की है, अपनी मम्मी को उठाने की नहीं। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसकी मम्मी है या बाजू वाले रामू की बेटी पिंकी जो गुस्सा हो गई है तो गोदी में उठा के मना रहा है। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था। ए अबे ओ मोटे सांड की छोटी पूंछ, कैसी हरकतें हैं, माँ को कौन मारता है? मतलब मैं बता रहा हूँ, एक बार जलती गर्म मोमबत्ती नाक में डाल के जान दे दो अपनी, पर माँ पे हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए, ना नक्को बिल्कुल नहीं। पर इसमें गलती सारी बच्चे की भी तो नहीं है, आंटी जी ने वीडियो बनाने के चक्कर में लड़के को इतना सर पे बिठा लिया कि कोई सीमा ही नहीं बची है रिश्तों की, और जो सीमा होती है माँ बेटे के रिश्ते की ये उससे बहुत आगे जा चुके हैं। वाह, मम्मास पोज, ये मम्मास पोज है। इंडिया में मम्मी के पैर छूते हैं वो आशीर्वाद देती हैं, उसको कहते हैं मम्मास पोज, ये मम्मास पोज नहीं है। ये लोग तो फॉरेनर से भी आगे निकल गए, वो लोग भी वीडियो के लिए अपनी मम्मी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करते, टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ना था दुष्टों ने, ऐसी उल्टी सीधी हरकतों में नहीं, बदतमीजियों में नहीं। वैसे पीछे तो आजकल मुझे मेरा चैनल छोड़ रहा है, व्यूज ही नहीं आते आजकल क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते। प्लीज वीडियो लाइक करें, ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। अरे बाप रे, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, एकदम सो क्यूट, माय बेबी। आप सोच रहे होंगे शायद सौतेली मम्मी होंगी है, स्टेप मम, पर नहीं, बेचारी आंटी का फेस ही इतना बेबी वाला है कि बड़ी नहीं हो पा रही, मतलब बड़ी ही नहीं लग पा रही। और आंटी ने तो बच्चे पैदा होते ही सोच लिया था कि कंटेंट आ चुका है, अब आ गया है समय फेमस होने का। इस वक्त तक तो बेचारे को कपड़े पहनने का तक ढंग नहीं था, इतनी छोटी उम्र थी, पर आंटी अपने कमर पे हाथ रख के उसे डांस करवाए जा रही हैं। व्यूज भी तो चाहिए, पर मुझे यहाँ तक लग रहा था कि हो सकता है अंकल की दूसरी शादी हुई हो और ये बच्चे पहली बीवी के हो, पर बाद में मुझे पता चला आंटी पिछले 20-25 सालों से एक ही जैसी लग रही है। लोगों की गाड़ी में ब्रेक होता है, आंटी की शक्ल पे लग गया है, जिंदगी तो आगे जा रही है शक्ल वहीं रुक गई है, उम्र बढ़ती जा रही है शक्ल आगे ही नहीं बढ़ रही। और कोई बुराई नहीं है शक्ल ना बढ़ने में, ये तो एक अच्छी चीज होती है कि आप हमेशा छोटे लगते हैं, पर दिमाग वो तो एक समय के बाद बढ़ जाना चाहिए। आंटी का दिमाग आज भी 20-25 साल पीछे है, मतलब आंटी को 16-17 साल की निब्बी जैसी वीडियो बनाते हुए ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि इससे व्यूज तो आ रहे हैं और बच्चे में संस्कार कद्दू। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसीन सितम? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो दिन दूर नहीं है जब इंस्टाग्राम रील पे फेमस होने के लिए लोग अपने जिंदा बच्चे से केचम केच खेलेंगे। और मेरे भाई सवाल ये पूछ कि पहले से ही इतनी गदी थी या वक्त ने किया कोई पागल सितम? एक तरफ माँ बच्चों को एक्सप्लोइट कर रही है, एक तरफ माँ और बेटा मिलके एक दूसरे को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, और ये टूटी हुई झाड़ पे लगे हुए दीमक जैसा लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि रोज उठ के माँ को अपने बेटे से जिद करनी पड़ती है कि प्लीज बेटा आई लव यू मम्मी बोल दे, प्लीज बोल दे। आई लव यू तभी जाऊंगी, अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी। आप बोलो मुझे आई लव यू, बोलो आप मुझे बोलो आई लव यू, बोलो बोलो प्लीज। लानत है भाई लानत है, मैंने मेरे बचपन में मम्मी के कहने पे रिश्तेदारों के सामने अभद्र ठुमके तक लगाए, और ये पुराने लोहे की जंग लगी सीढ़ी अपनी मम्मी को आई लव यू तक नहीं बोल पा रहा है। और पहले मुझे लगता था कि शायद इस बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, पर नहीं, पूरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है काम। पर बेचारी आंटी करें भी तो करें क्या, अंकल को एक्सप्रेशन देने नहीं आते, व्यू ready।
बड़ी होगी रे ये, बड़ी हो जा। अंकल कभी नहीं होगी, दो बच्चे हो गए, अब नहीं हुई तो कब होगी। ये आंटी रोहित का फीमेल वर्जन है। कितना मजा आएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्मिटा पियेंगे। बेचारे अंकल इतना भरोसा करते हैं बीवी पे कि जॉब पर जाते वक्त बोल के जाते हैं बाय। ओके। बच्चों का ध्यान बिल्कुल रखेंगी अंकल जी। मेरी मम्मी मुझे ध्यान रखने के नाम पे किताब कॉपी लेके बिठा देती थी और दो तमाचे अलग चिपकाती थी कि पढ़ाई कर, और यहाँ पे आंटी अदाएं दिखा रही हैं और वो बेटा भी बोल रहा है यही अदा तो एक सितम है। अबे तेरी जैसी उम्र है, तेरी गंदी नजर शकालाका बूम बूम की पेंसिल पे होनी चाहिए या बेंटेन की घड़ी पर। वैसे एक बात तो अच्छी है कि ये लोग वीडियो पे मोमेंट्स लिख देते हैं, वरना जैसी इस टेढ़े झिंगूर की हरकतें मैं तो मान भी नहीं सकता कि इसकी कभी गर्लफ्रेंड भी बनती कोई। और आंटी बच्चों का ध्यान रखने के नाम पर सिर्फ रील नहीं बनाती, व्लॉग भी बनाती हैं। गाइस हम यहां इस रूम में बैठे हैं और यहां मेरी दीदी। दीदी क्या कर रहे हो? पढ़ रही हूं। दीदी पढ़ाई कर रही है। अरे हमारी पार्टी हो रही है। बेटी बिचारी बाजू वाले कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है और मम्मी बेटे की गोद में लेट के गाने सुन रही है, एंजॉय कर रही है। अरे आंटी मम्मियों का काम पढ़ाई करने वाले बच्चों को सपोर्ट करना होता है, दूसरों को तमाचे चिपकाए जाते हैं, ये क्या उसके साथ तुम भी बिगड़ने निकल गई। और दोस्तों मुझे तो लगता है कि हम लोगों की जनरेशन आखिरी जनरेशन है जिनकी मम्मियों को संस्कार देने आते हैं, आगे वाली जनरेशन अपने बच्चों को सिर्फ फेम देगी। इनके घरों में सब उल्टा होता है, नॉर्मल घरों में माँ बच्चे को मारती है, इनके घर बच्चा मम्मी को मारता है। नॉर्मल घरों में बच्चे जिद करते हैं, इनके घर में मम्मी जिद करती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नॉर्मल घरों में पढ़ाई करने वाले बच्चे की सपोर्ट की जाती है, इधर पढ़ाई करने वाले की कद्दू इज्जत नहीं है। और यहाँ बच्चे माँ की गोद में नहीं लेटते, माँ बच्चे की गोद में सोई हुई है। भगवान जाने कौन से पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं ये लोग। और इसका सबसे बड़ा कारण वो बेचारे भोले अंकल है, वो इतने भोले हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। या तो तुम अरे रे 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 बेचारे भोले टेडी बियर जैसे पति से बोल रही है, या तो तुम या तो कोई और। और वो बेचारा भी सुन के मुस्कुरा रहा है, कितना भोला हो सकता है किसी का पति, कितना भोला। बेचारे अंकल खुद के लिए कपड़े तक नहीं खरीदते, बेटे के कपड़े पहनते हैं नरूटो एडिशन। और कितने दुखी रहते हैं बेचारे, और इतना भरोसा करते हैं अपनी रीलर बीवी पे कि अपने बच्चे उनके हवाले छोड़ जाते हैं। और वो बेचारी बेटा तो बेटा, बेटी के साथ भी रील बनाती है। ए थांबा थांबा, वो लड़की भी अपनी मम्मी से बड़ी लग रही है। ये कौन सा जमाना आ गया है जिसमें लड़कियां इससे बड़ी लग रही हैं, आंटियां इससे छोटी लग रही हैं। ये कौन सा काला जादू हाथ में लगा इन महिलाओं के, बेचारे मर्दों को भी दे दो, कब तक बूढ़े होके मरते रहेंगे। माँ के पैरों में जन्नत होती है वो तो सुना था, पर ये बेटों के पैरों में कंपनी, ये कब से होने लग गई। मेरे घर में तो अगर मम्मी को गलती से भी पैर लग जाता है तो पैर छूने पड़ते हैं कि ये क्या गलती हो गई। और ये देखो मम्मी बेटे के पैरों में बैठी हुई है। बाकी दोस्तों किसी के रिश्ते को जज नहीं कर रहे अपन, पर ये सब चीजें एटलीस्ट इंटरनेट पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे इन्फ्लुएंस लोगे और दो चार लोग बिगड़ जाएंगे कि व्यूज तो आ रहे हैं चाहे जो भी हो। और बात रही व्यूज की, तो वो आजकल इन गंदी वीडियोस पे आ रहे हैं, मेरे पे तो आने बंद हो गए क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट